वहीं दूसरी ओर प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 100 दिन पूरे होने पर भाजपा ने जन आरोप पत्र जारी करते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, जहां शनिवार को भाजपा कार्यालय में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रेस वार्ता करते हुए जन आरोप पत्र जारी किया, जिसे रविवार को प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में जारी किया जाएगा, जिसके बाद भाजपा यह आरोप पत्र प्रदेश के सभी गांवों में जारी करते हुए कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में घेरने का काम करेगी। जन आरोप पत्र जारी करते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस ने 100 दिन के कालखंड में आधे दिन दिल्ली में गुजारे हैं। इन 100 दिनों में कांग्रेस ने प्रदेश के किसान और नौजवानों को भ्रमित करने का काम किया है। अब कांग्रेस के 100 दिनों के अत्याचारों का जनता लोकसभा चुनाव में जवाब देगी। वहीं भाजपा के लोकसभा चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस नेता पीसी चाको के गांधी परिवार को देश का पहला परिवार बताने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि चाको का यह बयान एक चाटुकारिता का उदाहरण है। कांग्रेस के नेता पीसी चाको, इन्होंने कहा कि गांधी यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये देश का प्रथम परिवार है, फर्स्ट फैमिली, और कंट्री मस्ट बी ओब्लाइज टू देम। देश पूरा उनके लिए एक तरह से एहसानमंद होना चाहिए। और आगे ये भी कहा कि मोदी जी उनके लिए नकारात्मक भाव रखते हैं। मुझे याद आया देवकांत बरुआ, इमरजेंसी दिनों के पहले उन्होंने कहा था, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। तो ये कांग्रेस की चापलूसी परंपरा है और इसी चापलूसी का ये उदाहरण है चाकू का बयान कि गांधी इज द फर्स्ट फैमिली। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन।